एमए इंग्लिश है, इन्हां ने हिस्ट्री पंजाबी ते फिजिकल ली हुई है। हिस्ट्री पंजाबी फिजिकल इत्थे लिखांगे, हिस्ट्री नंबर एक, पंजाबी फिजिकल, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने की है इंग्लिश दी। ओके, सो ऑड बन रहा है तुहाडा, जिहड़ा तां कोई भी बेस्ट कॉम्बीनेशन तुहाडा नहीं बन रहा। पंजाबी मेजर नहीं बनेगा, इंग्लिश एमए है, तुसी इंग्लिश लै सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन जे टीजीटी लई तुसी बनना है, टीजीटी लई तुसी एक वीडियो जरूर देख लियो, जिहदे विच मैं गवर्नमेंट जॉब्स दा एनालिसिस इंग्लिश दियां पोस्ट दा कीता है, क्योंकि इस बार इंग्लिश दियां पोस्ट लई, इंग्लिश दियां पोस्ट लई एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश दी कीती है, उन्हां नूं एलिजिबल मन्नेया गया है। अदरवाइज बहुत घट इदा हुंदा है, अदरवाइज तुहानूं ग्रेजुएशन विच वी ओह सब्जेक्ट पढ़ना पैंदा है, मतलब ग्रेजुएशन च इंग्लिश पढ़ी होएगी ते एमए इंग्लिश कीती होएगी, फिर तुसी पीजीटी और टीजीटी दोनों लिए एलिजिबल बनते सीगे। लेकिन इस बार इस तरह होया है, पर हुण जो गवर्नमेंट बदल चुकी है, आम आदमी पार्टी, वो थोड़े क्राइटीरिए चेंज कर रही है, जो अपवर्ड लैके जा रहे हैं, तो हो सकता है तुहानूं ग्रेजुएशन च भी इंग्लिश कह देने, इसलिए मैं भी कुछ, कोई भी कुछ नहीं तुहानूं कह सकता कि चेंज की होएगा। हाँ, तुसी पक्का जिहड़ा एलिजिबल बनना है उहदे लई तुहाडा बैटर बेस्ट कॉम्बीनेशन कोई नहीं बनता, बैटर ही बनते हैं। जे तुसी हिस्ट्री नूं मेजर चूज करते हो जां फिजिकल एजुकेशन नूं चूज करते हो, तो हिस्ट्री दे नाल तुसी बन रहे हो पीजीटी ले एलिजिबल। उस दियां पोस्ट बहुत घट और लेट होंदियां हन, मतलब पिछली बार भी निकलियां हन, लेकिन जे तुसी टीजीटी ले एलिजिबल होना चाहते हो तां तुहानू एसएसटी लेना पएगा, एसएसटी ले तुहानू जाना पएगा हिस्ट्री कल्ले नाल एसएसटी। देखियो ध्यान नाल इस नूं सुन लियो, एसएसटी लै लेंदे हो तुहाडा स्कोप वध जांदा है, पर तुहानू पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी जाना पएगा, जां तुहानू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच बीएड करनी पएगी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एक सोशल साइंस नाल एसएसटी नहीं दिंदे, इसलिए जेकर तुसी ग्रेजुएशन ऑलरेडी पंजाबी यूनिवर्सिटी तो मान लो कीती है, जे तुसी ए तो कीती है, इहदे विच तुसी इनफॉर्मेशन नहीं दित्ती, जेकर इस तो तुसी कीती है तां तुसी नाल नाल ही अडिशनल बीए दा फॉर एग्जाम्पल पोलिटिकल साइंस जां सोशियोलॉजी कोई एक सोशल साइंस जिहड़ी करनी पैनी है वो अडिशनल नाल नाल कर लेना। मैं दोबारा दस रहा हाँ, जेकर तुसी बीएड पंजाबी यूनिवर्सिटी तो कर रहे हो तां अडिशनल तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी इस तरह करवाती है, मैं उस पर वीडियो हजे कढ़ना है, वो जरूर देखियो, उस वीडियो ने कई पंजाब दे इन्ने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है कि फ्लैक्सीबल है कि तुसी ईवन पंजाबी सॉरी जिहड़ियां प्राइवेट यूनिवर्सिटियां उस तो भी तुसी बीए ग्रेजुएशन की हुई है, बीएससी की हुई है, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी वेलकम करती है अडिशनल पेपर देने लई। पर जे दूसरी दूसरी यूनिवर्सिटी से तुसी करते हो, मान लो पंजाब यूनिवर्सिटी से चले गए, फिर तुहानू माइग्रेशन लैनी पैनी है, इत्थे तुहानू माइग्रेशन बीएड भी कर रहे हो नाल ही बीए दे अडिशनल दे दिते है तो माइग्रेशन नहीं लैनी पएगी। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पूरे नॉम हजे मैनू क्लीयर नहीं है, शायद वो दूसरिया यूनिवर्सिटिया अलाउ ना करन। सो जे तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी से जाते हो तुहाडियां सारिया समस्यावां हल होंदियां हन, बीएड करते करते तुसी अडिशनल पेपर दे सकते हो ते एसएसटी भी उत्थे मिल जाएगा, सारिया ऑप्शन खुलिया है। जे अडिशनल पेपर एक दे देंदे हो तो बीएड करन तो बाद तुसी एसएसटी लई एलिजिबल बन जाओगे, और एसएसटी दे नाल अगे तुसी की लैना चाहते हो मेरे मुताबक तुहानू, क्योंकि एमए इंग्लिश कीती हुई है, इसनू प्रैफर कर लेना चाहिए है, तो इस दे बाद विच इंग्लिश दे बीए दे अडिशनल आराम नाल दे देने चाहिए हैं। बेशक पिछली बार इंग्लिश वाले जे बीए दे तुसी इंग्लिश दे दे देंदे हो, जे बीए दे इंग्लिश दे दे देंदे हो और एसएसटी दे नाल पैडागोजिकल सब्जेक्ट इंग्लिश लई है, तां तुसी बीए अडिशनल इंग्लिश करके तुसी टीजीटी लई भी एलिजिबल हो गए, पीजीटी लई भी एलिजिबल हो गए, थोड़ा स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जे क्लीयर कुछ नहीं होया तो दोबारा पूछ लेना, हुण तुहानूं मैं ब्रीफिंग कर लिया रहा हाँ। तो तुहाडे लई पीजीटी का सब्जेक्ट है एलिजिबल, तुसी नहीं बनते, सिर्फ हिस्ट्री लई बन रहे हैं,
ਉਹਦੀਆਂ ਜੌਬ ਕੱਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਐਸਟੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੇ ਐਮਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਟੀ ਟੀਜੀਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸਟੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਇੰਟਰਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇਕੱਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੌਬ ਸਕੋਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਲਾਈਜ਼